Gerçek. मेरा नाम नज़ीर अहमद भट्ट हूँ। मैं श्रीनगर ज़रीबल इलाके में रहता हूँ। मैं पेपर मशी का काम करता हूँ। हम इसमें बनाते हैं जुअल बॉक्स बनाते हैं, फ्लावर वास, एलिफेंट और समावार, बहुत सी चीज़ें इसमें बनाते हैं। बस मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि हमारी तरफ ध्यान दें। हम गरीब तबके से हैं पेपर मशी वाले, यहाँ पे खासकर ज़रीबल इलाके में, तो मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की कि हमारी तरफ ध्यान दें। मेरा नाम अमजद भट्ट है। हाँ, मैं आपको बता लेता हूँ, मैं एक्चुअली ओनर हूँ भट्ट एंड कंपनी का। एक्चुअली हमारी कास्ट भट्ट है, इसी वजह से हमारा कंपनी जो है भट्ट एंड कंपनी के नाम से मशहूर है। तो हम इस काम से जुड़े हुए हैं। 1957 से हमने ये काम शुरू कर लिया। पहले मेरा पैर दादा, उसके बाद दादा और बाप के बाद अब मैं ये काम संभाल रहा हूँ। पेपर मैशी यहाँ पे शुरू हो गई। ये 1500 या 1600 ईस्वी में ये एक्चुअली ये जो आर्ट हैं ये ईरान से आया है। उस दौरान यहाँ पे मुग़ल हुकूमत हुआ करती थी। मुग़ल लोग काफ़ी शौकीन थे, वो अपने घरों में मतलब अपने दरवाज़ों पर मतलब बहुत सारे पैनल्स बनाते थे, मतलब खूबसूरती के लिए वो अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए दस्तकार ढूंढते थे। तो फिर उन्हें ईरान से कुछ दस्तकार मंगवा लिए। उन दस्तकारों की बदौलत यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हुनर सीख लिया। वायरस की वजह से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया तो हिट हो गई, अलबत्त जो ये दस्तकार हैं हमारा जो पेशा है काफ़ी हिट हो गया। तो टोटली हमारा जो बिज़नेस है इस टाइम ज़ीरो है। मेरा नाम फिदा हुसैन भट्ट है। मैं कम से कम 30-35 सालों से ये काम कर रहा हूँ। पहले हो जाता है कम से कम 10-12 साल से कोई गुजारा ही नहीं है। ऐसा हो गया कि अब कारीगर मिलता ही नहीं, कोई ये काम करता ही नहीं है। दिन ब दिन कारीगर कम हो जाते हैं क्योंकि उनको इन बेचारों को इस पर गुजारा नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, खाएंगे क्या। बिल्ली बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, खरगोश बनाते हैं, कैटस बनाते हैं और हाथी बनाते हैं, ऊँट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।